बिहार को मिली 9 जोड़ी नई ट्रेनों का संचालन, जिसमें कि अब आप जनरल टिकट लेके यात्रा कर पाएंगे। आइए जानते हैं सभी ट्रेनों के लिस्ट के बारे में और इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले रेल न्यूज चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। कोरोना के बाद रेल मंत्रालय के आदेश के बाद धीरे धीरे ट्रेन के हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अभी भी कई ट्रेन में रिजर्वेशन कोच शामिल है, लेकिन आने वाले समय में इस सुविधा को भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकल यात्रियों को सफर करने में दिक्कत होती है। हालांकि उन पैसेंजरों को रिजर्वेशन के लिए रोका नहीं जाएगा जो लोग रिजर्वेशन में अक्सर सफर करते हैं। साथ ही स्लीपर और एसी क्लास में रिजर्वेशन सुविधा तो हमेशा बहाल रहती ही है, लेकिन सेकेंड सीटिंग यानी कि जनरल कोच में यह सुविधा धीरे धीरे करके समाप्त होगी। इसके साथ ही बिहार की 9 जोड़ी ट्रेनों में यह सुविधा लागू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए सुविधा हेतु पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार के विभिन्न रेलवे स्टेशन से चलाई जाने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों के सेकेंड सीटिंग कोच में रिजर्वेशन सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि आप रिजर्वेशन करके अगर सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन अब भी चालू होगा। ऐसे में आइए जान लेते हैं सभी ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। अगर आप जनवरी में सफर करना चाहते हैं तो आपको इन सभी ट्रेनों में जनरल टिकट यानी कि रेलवे काउंटर से भी आप टिकट ले सकते हैं और यात्रा अपना पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली ट्रेन है रांची पूर्णिया कोट हाटिया एक्सप्रेस ट्रेन। इसके अलावा दूसरी ट्रेन है राजगीर वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन। तीसरी ट्रेन है जयनगर मनिहारी एक्सप्रेस ट्रेन। चौथी ट्रेन है कटिहार पटना एक्सप्रेस ट्रेन। पांचवी ट्रेन है भागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। छठी ट्रेन है आरा रांची एक्सप्रेस ट्रेन। सातवीं ट्रेन है भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। और आखिरी ट्रेन है सासाराम रांची एक्सप्रेस ट्रेन। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इन समय से कौन ट्रेन के पैसेंजर हैं और अक्सर कौन ट्रेन से सफर करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों के अपडेट के लिए, क्योंकि आगे कई ट्रेनों का संचालन रेलवे कराने वाली है, वो भी जनवरी के महीनों में। सभी ट्रेनों का अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा और उसका टाइमिंग के साथ साथ पूरा जानकारी भी हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब अवश्य कर लें।